सरस्वती विद्या मंदिर महिला पीजी कॉलेज के वार्षिक क्रीड़ा समारोह का शुभारंभ कॉलेज परिसर में किया गया। गुरुवार को उद्घाटन के अवसर पर छात्राओं द्वारा बैडमिंटन एकल तथा तृतीय शतरंज और खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शतरंज में निधि त्रिपाठी, बैडमिंटन एकल में अंशी तिवारी तथा बैडमिंटन द्वितीय में मानसी दुबे तथा अंशी तिवारी विजेता रही। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रीना त्रिपाठी, क्रीड़ा समारोह के आयोजक डॉक्टर अशोक पांडे, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, डॉक्टर गीता, डॉक्टर शारिका, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर गोरखनाथ, डॉक्टर कनक मिश्रा सहित कॉलेज के अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अशोक पांडे और प्राचार्य डॉक्टर रीना त्रिपाठी ने कहा, वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रहा है और इसमें 7 गेम हैं, जिसमें खो खो है, कबड्डी है और डिस्कस थ्रो है, गोला छेपड़ है, शतरंज है, तो ये कुल मिलाकर 7 गेम हो रहे हैं। कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें कम से कम पूरे महाविद्यालय से 50 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये मेरी पूरी टीम है जो हम लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका, खेल कूद का? ये उद्देश्य है कि पढ़ाई के साथ साथ इनका शारीरिक विकास भी हो और केवल पढ़ाई से ही काम चलने वाला नहीं है, इस नाते गेम को भी शिक्षा से जोड़ करके दिया जा रहा है। इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी हाँ, इनको पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन आगामी 26 जनवरी को ये इनको पुरस्कार दिया जाएगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे और ये मेरी पूरी टीम है। आज जो है वो वार्षिक गेम्स का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल के लिए भी मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे खेलें, जिससे उनका फिजिकल जो है वो डेवलपमेंट भी हो और पढ़ाई के साथ साथ वो इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें।